अमेरिका के टेक्सास राज्य के ह्यूस्टन शहर में पीएम मोदी के होने वाले हाउडी मोदी कार्यक्रम से पहले मौसम की मार पड़ी है। बीते दो दिनों से यहां इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। बाढ़ की वजह से टेक्सास के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। शाजापुर केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी ने चिन्मयानंद को शाजापुर से ही गिरफ्तार किया। उन्हें मेडिकल के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में इस दौरान भारी फोर्स तैनात भी की गई थी। वहीं एसआईटी ने चिन्मयानंद को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने कंपनी और कारोबारियों को राहत देते हुए कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि टैक्स घटाने का अध्यादेश पास हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का ऐलान किया है। इस ऐलान पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इससे कॉर्पोरेट को फायदा होगा, इन छूट से कंपनीज को फायदा होगा, इससे विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा और ये कड़ा फैसला है जिससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। जज और कोर्ट की संख्या बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में नया नियम लागू किया गया। अब जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में एकल जज पीठ का प्रावधान नहीं था, यहां डिवीजन बेंच यानी कि खंडपीठ ही होता रहा है, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो से हुई बदसुलूकी का मुद्दा गर्मा रहा है। वामपंथी छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को बाबुल सुप्रियो को 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा था, जिसके चलते पश्चिम बंगाल के कई जिलों में आज बीजेपी प्रदर्शन कर सकती है। यूनिवर्सिटी में बवाल पर सीएम ममता बनर्जी का कहना है, उन्होंने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पहले ही न जाने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र में सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम नारायण राणे की बीजेपी में संभावित एंट्री पर भी शिवसेना नाराज है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और गृह राज्य मंत्री दीपक वसंत केसरकर ने कहा कि बीजेपी नारायण राणे को पार्टी में लेने का जोखिम ना उठाएं। तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन को पदाधिकारियों के चुनाव करवाने की इजाजत दी, लेकिन चुनाव का जो भी परिणाम होगा वो कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोग्यता सिर्फ पदाधिकारियों तक ही सीमित रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को पाकिस्तान के मुकाबले एक बार फिर बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल हुई है। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर मामले में संकल्प पेश करने के लिए पर्याप्त समर्थन हासिल नहीं हो सका है। इससे कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर विफल हुई। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थानीय समय के मुताबिक रात करीब 10 बजे गोलीबारी हुई। इस हादसे में कई लोगों को गोलियां लगी। खबर के मुताबिक राजधानी की सड़कों में देर रात फायरिंग की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद कई एम्बुलेंस में लोगों को अस्पताल ले जाया गया।